हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रियंका एंड वेलकम टू कुकिंग हैक्स। आज हम बनाएंगे बिल्कुल नए स्टाइल में हॉट डॉग्स, जो बच्चों को तो पसंद आएंगे ही लेकिन बड़े भी ज़रूर ट्राई करेंगे। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आगे की रेसिपीज़ आपके पास आ सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक बाउल में आधा कप बारीक कटा हुआ फूल गोभी लेंगे। इसको मैंने ग्रेट करके इसका पानी निचोड़ लिया था। अब हम इसमें 1/4 कप बारीक कटी हुई गाजर डाल देंगे। इसे भी मैंने चॉप करके इसका पानी निचोड़ लिया था। अब हम इसमें 3 बड़े चम्मच बारीक कटी हुई बीन्स डाल देंगे। आधा कप बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे। प्याज का भी पानी आपको ऐसे निचोड़ लेना है। अब हम इसमें 1 बड़ा चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन डाल देंगे। आधा चम्मच अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट डाल देंगे। अगर आपके पास ये पेस्ट नहीं बना हुआ तो आप कटी हुई हरी मिर्च डाल सकते हैं। अब हम इसमें 2 बड़े चम्मच मैदा डाल देंगे। यहाँ मैंने 2 चम्मच मैदा डाल दिया है। मैदा डालने के बाद हम इसमें 1 बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लोर का भी डाल देंगे। कॉर्नफ्लोर डालने से ये बड़े क्रिस्पी बनते हैं। अब हम इसमें 2 बड़े चम्मच ड्राइड ब्रेड क्रम्स डाल दें। ब्रेड क्रम्स बनाने के लिए आप एक ब्रेड को मिक्सी में डाल लें और इसको ग्राइंड करके सुखा लें। अब हम इसमें 1 छोटा चम्मच नमक का डाल देंगे। यहाँ मैं 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर भी डाल रही हूँ। अब हम इसमें 1 छोटा चम्मच सोया सॉस भी डाल देंगे। ये ऑप्शनल है मगर इससे टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। अब हम ये सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स कर लेंगे और देख लेंगे ये बाइंड हो रहे हैं कि नहीं। अगर ये अच्छे से बाइंड नहीं हो रहे तो आप हल्का सा कॉर्नफ्लोर और मिक्स कर दीजिएगा और इसके हम अब छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे। इस मिक्सचर में हमें पानी बिल्कुल नहीं डालना है और इन बॉल्स को बनाते समय इनको अच्छे से बाइंड करना है, नहीं तो ये फ्राई करते हुए टूट जाएंगे। चलिए इन सारे मिक्सचर के बॉल्स बना लेते हैं। बॉल्स का साइज़ छोटा ही रखिएगा, उनसे ये ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। ये देखिए, यहाँ पे मैंने सारे ये मंचूरियन के बॉल्स रेडी कर लिए हैं। चलिए इन्हें फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के लिए हम एक कढ़ाई में तेल डाल लेंगे और उसे अच्छे से गर्म कर लेंगे। जैसे ही हमारा तेल गरम हो जाए हम इसमें ये मंचूरियन के बॉल्स डाल देंगे। फ्लेम हमें मीडियम पे ही रखना है। मंचूरियन तेल में डालने के बाद आप उन्हें ज़्यादा ना हिलाएं, नहीं तो ये टूट जाएंगे। जैसे ही ये एक साइड से ब्राउन होने लगे बस उसी टाइम हम इसे पलट लेंगे और दूसरी साइड से भी लाइट ब्राउन होने तक इसे फ्राई कर लेंगे। हमारे मंचूरियन बॉल्स फ्राई हो चुके हैं, चलिए इन्हें निकाल लेते हैं। हमें इन मंचूरियन बॉल्स को डबल फ्राई करना है ताकि ये एक्स्ट्रा क्रिस्पी हो जाएं। ऐसे ही हम सारे मंचूरियन बॉल्स को फ्राई कर लेंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये देखिए, यहाँ मैंने सारे मंचूरियन बॉल्स फ्राई कर लिए हैं। अब हम इसे 10 मिनट्स के लिए रख देंगे और फिर से फ्राई करेंगे। 10 मिनट्स हो चुके हैं, अब मैं कढ़ाई में इन्हें फिर से डाल रही हूँ। इस पर हमें फ्लेम हाई पे रखनी है। बस जैसे ही ये और थोड़ी सी क्रिस्पी हो जाए हम इन्हें निकाल लेंगे। हमारे बॉल्स रेडी हैं, चलिए इसकी ग्रेवी रेडी कर लेते हैं। इसके लिए एक पैन में मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल डाला है। ऑयल जैसे ही गर्म हो जाए हम इसमें 1 छोटा चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन डाल देंगे। लहसुन डालने के बाद हम इसमें 1/2 चम्मच अदरक हरी मिर्च का पेस्ट डाल देंगे और इसे अच्छे से सॉटे कर लेंगे। जब तक ये हमारा पेस्ट हल्का सा ब्राउन ना हो जाए तब तक हमें इसे पका लेना है। अब हमें इसमें 1 लंबा कटा हुआ प्याज डाल देना है और इसमें 1 लंबी कटी हुई शिमला मिर्च भी डाल देंगे और इन सब्जियों को 2-3 मिनट के लिए पका लेंगे। हमें इन वेजिटेबल्स को ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है, बस हल्के से स्टर फ्राई करना है। चलिए इसमें मसाले डाल देते हैं। उसके लिए इसमें 1 चम्मच में यहाँ पे नमक डाल रही हूँ। 1/4 चम्मच इसमें काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो इसमें अजीनोमोटो भी डाल सकते हैं पर मैं वो यहाँ पे नहीं डाल रही। अब मैं इसमें 1/2 चम्मच सोया सॉस का डाल दूँगी और इसमें 2 बड़े चम्मच टमाटो सॉस के भी डाल देंगे। अब मैं इसमें 1 बड़ा चम्मच स्वीट चिली सॉस का डाल रही हूँ। ये ऑप्शनल है मगर इसे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और लास्ट में हम इसमें 1 छोटा चम्मच विनेगर का भी डाल देंगे।
इन सब इंग्रेडिएंट्स को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है और 2-3 मिनट के लिए पका लेना है। इस ग्रेवी में हम पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे, इसे हमें सेमी ड्राई रखना है। 2-3 मिनट हो गए हैं और हमारी सब्जियां अच्छे से भुन गई हैं। अब हम इसमें जो हमने मंचूरियन बॉल्स बनाए थे वो इसमें डाल देंगे और मंचूरियन डालने के बाद भी हम इसे 2-3 मिनट के लिए और पका लेंगे। इस मंचूरियन को आप चाहे तो नूडल्स के साथ, नहीं तो एज अ स्नैक भी खा सकते हैं। हमारी फिलिंग रेडी है, चलिए इसे हॉट डॉग्स में फिल कर लेते हैं। इसके लिए यहाँ मैंने एक हॉट डॉग लिया है और एक चाकू लूँगी और ऐसे इसका बीच का पोर्शन इसमें मैं निकाल लूँगी। ये जो बीच का पोर्शन हम ब्रेड में से निकाल रहे हैं उसके आप ब्रेड क्रम्स नहीं तो ब्रेड उपमा भी बना सकते हैं। अगर आप उसकी रेसिपी जानने चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। ये देखिए कैसे मैंने इसका बीच का पोर्शन निकाल लिया है, बस ऐसे ही आपको फॉलो करना है। अब हम इसमें जो मंचूरियन की फिलिंग बनाई थी वो इसमें हम फिल कर देंगे। ये देखिए कैसे मैंने इसे पूरा फिल कर लिया है। अब इसके साइड के पोर्शन पे हम बटर लगा लेंगे। हमें चारों तरफ इस बटर को अच्छे से लगा लेना है। अब हम इसके ऊपर मेयोनीज ऐसे छिड़क देंगे। आप चाहे तो इसके ऊपर चीज़ भी छिड़क सकते हैं, उससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। चलिए एक और हॉट डॉग भी रेडी कर लेते हैं। ये देखिए मैंने एक और हॉट डॉग भी रेडी कर लिया है। अब हम इसको बेक पे रख देंगे। बेक करने के लिए यहाँ मैंने ओवन पे 200 डिग्री टेम्परेचर पे से 6 से 7 मिनट्स के लिए बेक कर लिया है। आप चाहे तो इसे तवे पे भी सेक सकते हैं। ये हमारे हॉट डॉग्स बेक होकर रेडी हैं। अब हम इसके ऊपर मिक्स्ड हर्ब्स या ओरिगैनो छिड़क देंगे। तो हमारे ये मंचूरियन हॉट डॉग्स रेडी हैं और लग रहे हैं ना बहुत टेम्पटिंग और यमी। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अगर ये आपको रेसिपी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर रेसिपीज़।